हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं एंड देन हम देखेंगे हर एक जोरिए साइन क्या फील करता है क्या एनर्जीज इन रखता है टुवर्ड्स यू ओके आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट टेन डेज 21st टू 31st अक्टूबर लीब्रा की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट टेन डेज 21st टू 31st अक्टूबर लीब्रा की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st टू 31st अक्टूबर लीब्रा की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर ओके आई फील यहाँ पे आप uh, को या तो जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर जो आपका करियर की जो एस्पिरेशन थी या करियर या फाइनेंशियल जो चीजें आप अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव कर रहे हैं एंड वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है एंड साइमल्टेनियसली आई फील क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइक फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली एंड आपका जो जो पार्टनर है कोई टॉरस टोरस केप्रिकॉन हो सकते हैं इन पार्टनर के साथ आपको ऐसी चीज़ फील होती है कि इसके आने से मेरी लाइफ में लक आया है इसके आने से मुझे कंप्लीट फील होता है अगर ये इंसान मेरी लाइफ में होता है तो वो एक, एक होता है ना कि साथ में स्ट्रगल स्टार्ट करा था हम दोनों ने एंड ये इंसान हमेशा से मेरे साथ रहा ड्यूरिंग

शायद वो आपके साथ थे वेट कर रहे थे कि हाँ ठीक है पहले आप सेटल हो जाओ प्रोफेशनली इन फाइनेंशियली उसके बाद फिर देखते हैं टेक टेक योर टाइम सो आई फील आप अपनी तरफ से ना काफी फुलफिल फील करते हैं इस इंसान के साथ बिकॉज इसने आपको हर मोड पे सपोर्ट करा है तो वो फुलफिलमेंट दिख रही है सेटिस्फैक्शन दिख रही है कंप्लीशन uh, दिख रहा है एक जर्नी कंप्लीट होना साथ में कुछ टाइम कंप्लीट करना सेलिब्रेशन दिख रही है सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है टूवर्ड्स सक्सेस जा रहा है आगे एंड बोथ ऑफ यू आर बी मैंने आपको बोला एनिवर्सरी है तो उसकी सेलिब्रेशन हो सकती है बट आपकी तरफ से काफी हैप्पीनेस uh, दिख रही है मुझे मतलब आपको ये चीज का रियलाइजेशन है कि ये इंसान ने मुझे स्पेस टाइम सपोर्ट सब कुछ दिया तभी मैं वो अचीव कर पाया जो मैं अचीव करना चाहता था लीब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लीब्रा यूनिवर्स प्लीज बताइए ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर लीब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लीब्रा ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लीब्रा ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर लीब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लीब्रा अम uh, देखिए लिब्रा आपके पार्टनर जो है ना ไพไซส์ કેન્સર સ્કોપિયો ટ Taurus વર્ગો કેપ્રિકોન કોઈ હો સકતે હે આઈ ફીલ ઇનકો આપકે સાથ બહોત હી એક લૉયલ્ટી આપસે મિલતી હૈ આપ સમજદાર કાફી હે તો એક હોતા હે ના હર ઇન્સાન કા કે મુજે એક વાઇસ પાર્ટનર ચાહીએ તો વો વિઝડમ આપ મે હે વો ઇનકો ચીઝ મિલતી હે એમ એક ઇમોશનલી બેલેન્સ્ડ ઇન્સાન इनको आप में दिखता है सो so, इनको जो चीजें चाहिए थी वो इनको आपसे मिल रही हैं सो so, इनको लगता है कि हाँ ठीक है मुझे ये चाहिए था कि कोई भी इंसान लाइक इमोशनली बैलेंस्ड हो आ, वो उसके इमोशंस जो है वो उस पर ओवर पार ना कर रहे हो बहुत गुस्सा हो गया या बहुत चिड़चिड़ हो गए या बहुत इरिटेट हो गए या बहुत हैप्पी हो गए ओवर एक्साइटमेंट हो रही है तो एक्सट्रीम इमोशंस नहीं चाहिए थे इनको एंड आई थिंक इनको वही चीज आपसे मिल रही है लाइक

टाइम एंड स्पेस दे रखा है कि तुम अपना करो सो हो सकता है इनको उस वजह से काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद अपने सर पे लेनी पड़ रही हैं, मल्टीटास्क फ्लेक्सिबल होना पड़ रहा है जगल करना पड़ रहा है प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी पड़ रही है कि क्या इंपॉर्टेंट है पहले क्या करना है फिर सेकंड क्या करना है फिर थर्ड क्या करना है या तो ये कर रहे हैं या फिर इनको करने की जरूरत पड़ सकती है आगे आने वाले टाइम में क्योंकि आपकी नई जॉब लग रही है एंड यू कैन डिपेंड ऑन दिस पर्सन कंप्लीटली एंड दे कैन डिपेंड ऑन यू कंप्लीटली तो आई आई फील रेसिप्रोकेशन बहुत है यहाँ पे आपको जो चाहिए वो ये दे रहे हैं इनको जो चाहिए वो आप दे रहे हो सो विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग सिंगल लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट टेन डेज ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट सिंगल लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए सिंगल लीब्रा के लिए मैसेजेस ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट यूनिवर्स प्लीज बताइए देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं कंप्लीटली आई फील आपको क्लैरिटी आ रही है अपने काम को लेकर अपने थॉट प्रोसेस को लेकर आपको किस चीज में आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है क्या करना है किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है क्या सही है क्या गलत है आपको क्लैरिटी मिल रही है ऑल्सो आई फील काम में आप बहुत अच्छे हो रहे हैं लाइक like, आप कोई ऐसी चीज अचीव कर रहे हैं जिस वजह से पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट यू एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड दे आर लाइक ओ लीब्रा ने ये काम कर दिया एंड कोई नहीं कर पाया था अभी तक एंड लीब्रा डिड इट सो वो एक होता है ना फेम मे भी सोशल मीडिया फेम हो सकता है या अदरवाइज जस्ट आपका नाम इधर उधर डिस्कस हो रहा है वो वाला फेम हो सकता है लाइक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बट तारीफ हो रही है आपके बारे में बात हो रही है आपको क्लैरिटी मिल रही है कोई भी चीज अगर आपको रिवील हुई है कोई नया कोई सीक्रेट रिवील हुआ है ट्रुथ रिवील हुआ है कोई फैक्ट रिवील हुआ है तो आई थिंक उसके बाद आपको और चीजों को लेकर समझ आ रही है कि कैसे आगे बढ़ना है नए प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं कि आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हो नया काम मिल रहा हो किस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है किस में नहीं बढ़ना है किसको चूज करना है क्या चूज वो क्लैरिटी मिल रही है बेसिकली आपको अब हम देखते हैं हर एक साइन क्या क्या फील करता है है एनर्जीज रखता टुवर्ड्स बट उससे पहले guys, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और रेखी और क्रिस्टल्स और एनीथिंग देन स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस पीसीओडी, पी सी ओडी थ्रेन इनडाइजेशन गट वाइकल, एक्ने, या फिर आपको इमोशनल इशूज हैं आप हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं फियर ऑफ आइसोलेशन फियर ऑफ अबैंडमेंट है आपको कॉन्फिडेंस की कमी है क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप आपको ट्रॉमा है या चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं अब चक्रा को अनब्लॉक कैसे करते हैं हम डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू रेकी हीलिंग होती है जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है आप मुझसे रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ अगर आपको अपना और क्लेंस करवाना है यू वॉन्ट टू गेट गैटरेड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आपकी तबीयत खराब होती है चिड़चिड़े रहते हैं तो और क्लेंजिंग कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू कट कॉर्ड स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक सिचुएशन तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं अभी आपका और किस कलर का है आप लाइफ में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे आपका कौन सा um, जो चक्रा है वो वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है तो ये सारी चीजें अगर देखनी है तो और स्कैनिंग हम कर सकते हैं बट अगेन ये सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर हीलर के पास आ रहे हैं हीलिंग के लिए तो आप सबसे पहले तो बिलीव करें कि ये प्रैक्टिस काम करेंगी वो बिलीव सिस्टम होना बहुत जरूरी है सेकेंडली पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे पास या किसी और हीलर के पास जाते हैं और एक हफ्ते में या दो हफ्ते में चीजें ठीक हो जाती है नहीं इट्स इट्स अ प्रोसेस ओके क्विक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू सो आपके 10 साल का पीसीओडी मैं दो हफ्ते में नहीं ठीक कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता है तो हीलिंग में टाइम लगता है थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत होती है बिकॉज अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे देन आप अपना एंड दूसरे का टाइम मनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सो so, उस हिसाब से जाइएगा या आइएगा मेरे पास या किसी और हीलर के पास जाइएगा ओके लिब्रा एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं और कोई ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे चीजें अटक गई हैं स्टेग्नेंट हो गई हैं सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू ठीक है so उनसे हेल्प मांग सकते हैं आप अगर वो खुद हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं तो वो हेल्प एक्सेप्ट करिए बट फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या अगर आपको लगता है ये लोग केपेबल नहीं है टू अंडरस्टैंड वॉट यूर गोइंग थ्रू इन योर रिलेशनशिप तो मैरिज काउंसलर के पास जाइए रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाइए बट थर्ड पार्टी से हेल्प लीजिए अगर खुद डील नहीं कर पा रहे हैं सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन तो डीब्रा एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए चिल्ड्रन आपकी जो लव लाइफ है जो रिलेशनशिप है इट इज बी अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन योर चिल्ड्रेन 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 बट बच्चों की वजह से दिक्कत आती दिख रही है प्रॉब्लम होती दिख रही है लीब्रा एंड जेमिनाय के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं आई थिंक आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है ना, आपको फेथ रखने की जरूरत है कि हाँ यूनिवर्स में फेथ रखिए कि ठीक है रोमांस आएगा मेरी लाइफ में एंड लव आएगा मेरी लाइफ में सो यू जस्ट हैव टू बी बी लाइक लाइक ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉट के मेरी तो लाइफ में किस्मत में कोई लिखा ही नहीं है बी ऑप्टिमिस्टिक हैव फेथ हैव ट्रस्ट इन यूनिवर्स एंड थिंग्स विल यू नो लाइक चेंज फॉर द बेटर तो आएगा कोई इंसान बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी वाइब भी तो चेंज करने की जरूरत है ना मिजरेबल लोगों के पास नहीं आते हैं कोई नए लोग लिब्रा एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस ओके लिब्रा अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कैंसर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं को डिपेंडेंसी का कार्ड है हमारे पास या तो कोई एक्सटर्नल एडिक्शन हैं जो कि अफेक्ट कर रही हैं आपकी लव लाइफ को मे बी एल्कोहल स्मोकिंग और समाधर सब्सटेंसेज या फिर इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन कैंसर इन इस इंसान की लत लग, लग जाना इनसे पूछे बिना कुछ ना करना इनके बिना दिन ना काट पाना रात ना काट पाना कुछ भी फंक्शन ना कर पाना तो वो चीज एडिक्शन ऑफ ऑफ दिस पर्सन दैट कुड ऑल्सो बी द केस लिब्रा एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं देन आपके एफमेशन पे प्रेयर विजुअलाइजेशन सारी जो है सब कुछ वर्क कर रहा है एंड दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट सो यू आर बेसिकली कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड आप जो भी टेक्निक्स यूज कर रहे थे जिस भी तरीके से आप अपने सोलमेट को बुला रहे थे लियो कुड बी दो वन ओके लिब्रा एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा वर्गो आपका सोलमेट है डेफिनेटली दिस इज योर सोलमेट अब आप बोलेंगे कि लियो भी सोलमेट था क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही थी वर्गो भी सोलमेट है क्योंकि कार्ड आया है सो so, किसी के बर्थ चार्ट में लियो और वर्गो दोनों हो सकता है आल्सो ये जनरल रीडिंग है तो किसी के लिए कोई लाइफ में किसी लियो से डील कर रहा है कोई लाइफ में किसी वर्गो से डील कर रहा है तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा देखिएगा हर चीज जबरदस्ती मत फिट करिएगा पर्सनल रीडिंग नहीं है ओके लीब्रा एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेटिंग चल रही है शायद आप दोनों की एंड ट्राइंग लाइक यूर गेटिंग टू नो इच अदर एंड जैसे जैसे आप अपने और वालनरेबल होते जाओगे अपने इनर मोस्ट सेल्फ को रिवील करते जाओगे आपका बॉन्ड और डीप होता जाएगा अब देखिए ये भी हो सकता है कि आप किसी और लीब्रा से डील कर रहे हैं ये भी हो सकता है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ टू बी ट्रू टू योर सेल्फ अपने को बोलिए आप आपको जो चाहिए versus आप जिसकी तरफ काम कर रहे हैं क्या आप खुद को जानते हैं कि आपको क्या चाहिए सो so पहले खुद को जानिए गेटिंग टू नो ईच अदर सो वो ईच अदर लाइक मे बी आपके अंदर खुद के लिब्रा से बात करनी पड़ेगी आपको शायद बट um, जैसे जैसे आप एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते जाएंगे अपने साथ जो कि शेडो वर्क बोलते हैं जिसे तो आपका खुद के साथ बॉन्ड डीप होता जाएगा आपको और चीजें बेहतर तरीके से समझ आने लग जाएंगी लीब्रा एंड स्कॉपियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए अगर आप किसी स्कॉपियो के साथ डील कर रहे हैं सेपरेशन डिवोर्स कुछ हो सकता है डिस्टेंस आ सकता है बीच में स्टेट सिटी कंट्री डिफरेंट हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है बट स्पेंडिंग टाइम अपार्ट लाइक फ्रॉम योर पार्टनर वो चीज मुझे दिख रही है तो फिजिकल डिस्टेंस दूरिया आती दिख रही है एंड स्कॉर्पियो में लिब्रा एंड सजेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं अट्रैक्शन दिख रहा है आप किसी नए इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड um, वो आपकी तरफ आ रहा है लाइक दॉलिड अट्रैक्शन बोथ ऑफ यू एंड यू जस्ट लाइक यू जस्ट है ज्यादा सोचिए मत, just enjoy this moment, okay? Libra and Capricorn के लिए क्या यूनिवर्स अगर आप केप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं देन यू नीड टू हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन एंड डिस्कस योर फीलिंग्स मे बी आपने ऑनेस्टली बताया नहीं है उनको वॉट यू फील व्हाट यू वॉन्ट What 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 you 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 are looking for, don't want, are not looking for, what are the red flags, what are the green flags, etc., etc. So, बैठ के बात करिए इंस्टेड टू योर सेल्फ एंड थिंकिंग अरे ये इंसान खुद समझ जाएगा ऐसे नहीं होता है ओके लीब्रा एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए अगर आप किसी एक के साथ डील कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये हो सकता है आप में से कई लोगों के एक्स जो थे वो इक्वेरियस हो सो यू नीड टू रिलीज योर एक्स टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी आप कॉर्ट कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे कोई मुझसे करवा सकते हैं बट इस इंसान से आपको बाहर निकलने की जरूरत है बिकॉज वो पुराना रिलेशनशिप उसका बैगेज साथ में लेके चलते रहेंगे तो नया रिलेशनशिप का क्या ही होगा ठीक है तो रिलीज योर एक्स इक्वेरियस एक्स जो भी था लीब्रा एंड पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसिस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं लिब्रा तो यू नीट टू एक्सप्रेस योर लव जस्ट गो अड एंड मेक दैट रोमांटिकर किस चीज का वेट कर रहे हैं इनिशियेटिव लीजिए आगे बढ़िए उसको बोलिए प्रपोज करिए कन्फेस करिए अपना प्यार जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान ही आए, आए आपके पास और अगर आप वेट कर रहे हैं कि दूसरा इंसान इनिशियेटिव लेगा तो हो सकता है वो भी ये सोच रहे हो तो आगे बढ़िए एंड जस्ट टेक दैट यू नो लाइक एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एक्सप्रेस योर लव टूवर्ड्स इफ एट ऑल यूर डीलिंग विदेज ओके बट ये मोर ऑल एस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको रीडिंग पसंद आई यू नो द ड्रिल लाइक करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय